Hello students, we are going to now discuss in this video RL circuits. So welcome back to our online course. So I hope all of you have completed the previous lecture and made proper notes and also revised all the questions. Okay, so in this question we are going to discuss the transient state, right? So what we are going to discuss here, I'll just write it down. So we are going to discuss the transient state. All right, now what is the transient state? So the current, basically initially, right, initial state, the inductor behaves like a open switch, right? It behaves like an open circuit, and at t equal to infinity it behaves like a conductor. So transient state lies between the time 0 to infinity. ओके मतलब जब करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर Okay, so this is what we are going to discuss. So let us start and find out the expression for current. So basically we want to find out the expression for current, current as a function of time. This is what we want to find out. So yahan pe, this is the resistor, this is the inductor, this is the battery, and this is the switch. तो t इक्वल टू जीरो पे ये स्विच ऑन करा हम लोगों ने, यहां से ऑन कर दिया इस स्विच को, ठीक है. ओके, तो स्विच ऑन करके अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी राइट डाउन द लूप इक्वेशन. हम लोग यहाँ पे, यू नो, वी आर गोइंग टू राइट डाउन द केवीएल, द लूप इक्वेशन. तो आप यहाँ पे मान लोगे करंट आई है, देयर इज अ करंट आई, ठीक है, इन द सर्किट. द करंट इज, यू नो, ग्रोइंग, द करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. सो दिस इंडक्टर विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट, और इंडक्टर का जो बिहेवियर होगा वो इस टाइप का होगा, उसका पोलैरिटी जो होगा उसके बैक ईएमएफ का वो इस तरह से होगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है. और इसका ईएमएफ तो पता ही है आपको, ई इंडक्टर कितना होता है. चलिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से जो इक्वेशन है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका, आप माइनस से प्लस जा रहे हो यहाँ पे, तो पोटेंशियल राइज यानी आप लिखोगे ई, फिर रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आई आर, फिर इंडक्टर पे भी ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर का पोलैरिटी इस तरह से, राइट, क्योंकि अभी यहाँ पे करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, और इंडक्टर उस, आपको पता है इंडक्टर जो है वो ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करता है, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा हो तो उसको भी अपोज करता है, करंट इंक्रीज हो रहा हो तो उसको अपोज करता है, और करंट डिक्रीज हो रहा हो तो उसको सपोर्ट करता है. तो यहाँ पे ये उसको अपोज कर रहा है, इसलिए जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो करंट के, करंट के डायरेक्शन के, राइट, के सामने, आप देख सकते हो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके सामने पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस तरह से ये इसको अपोज करता है. और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि आप प्लस से माइनस जाओगे, राइट, ये प्लस ये माइनस, माइनस एल डीआई बाई डी टी, और डीआई बाई डी टी पॉजिटिव है, ठीक है. ओके, तो इक्वल टू जीरो, राइट, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ करंट है इसलिए डीआई बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है. ओके, तो अब यहां से आपको ये जो इक्वेशन मिल गया, लूप इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और यहां से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर करंट, ठीक है. तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं. लेट अस डू दिस. इसको मैंने बॉक्स में डाल दिए, ठीक है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंटिन्यू. तो यहां पे आप क्या करोगे, ये जो ई माइनस आई आर को लिख दोगे इस तरह से, एल डी आई बाई
डीटी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो ये जो एल बाई डी टी है इसको आप इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा डी टी बाई एल, और बाकी आप ई माइनस आई आर को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा डी आई बाई ई माइनस आई आर। ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लिया है, अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, राइट, दोनों साइड जो है ये इंटीग्रेट। सो लेट अस इंटीग्रेट, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, टाइम है तो जीरो से टी तक, राइट। एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और जो करंट है, राइट, करंट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो जो करंट है, करंट इनिशियली सर्किट में जो करंट है वो जीरो है, और फाइनली जो करंट है वो आई है। तो करंट जीरो क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल स्टेट जब होता है, राइट, इनिशियल स्टेट में जो इंडक्टर है, इंडक्टर वो कैसा बिहेव करता है, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, राइट। तो कब, इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है, t इक्वल टू जीरो, राइट। तो t इक्वल टू जीरो पे वो इस तरह से बिहेव करता है। इसके लिए जो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में बिहेव लाइक अ ओपन स्विच, इसलिए करंट कितना होगा, जीरो, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ता जाएगा और वो आई हो जाएगा। और t इक्वल टू इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट में जाके करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, चलो अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, लेट अस कंटिन्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 1 बाई एल कॉन्स्टेंट है, आप बाहर ले लो, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी बाई एल, क्या हो जाएगा, ये टी बाई एल, और यहाँ पे डी आई बाई ई माइनस आई आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा लॉग, तो माइनस 1 बाई आर, आई का कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ln ऑफ ई माइनस आई आर, ln ऑफ ई माइनस आई आर, ठीक है। और इसके लिमिट्स आपको डालने पड़ेंगे, लिमिट्स डालोगे आप जीरो से आई, ठीक है, लिमिट्स आप डालोगे इसका जीरो से आई, ऑलराइट। ओके, तो अब ये माइनस 1 बाई आर इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आर टी बाई एल हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा, तो पहले आप आई डाल दीजिए, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ ई माइनस आई आर, और उसके बाद आई की जगह आप जीरो डालोगे, तो वो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ ई, ठीक है, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होता है वो होता है लॉग ऑफ ए बाई बी, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग जो एल एन है वो हम लोग इस साइड ले आएंगे, विल ब्रिंग इट टू द अदर साइड, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, यू प्लीज नोट दिस डाउन, ओके। सो ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये लॉग आप उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा ई बाई ई यानी 1 माइनस, ये हो जाएगा आई आर बाई ई, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आई आर बाई ई जो है वो हम लोग इस साइड ले आएंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई आर बाई ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल,
और यहां से आपको आई का एक्सप्रेशन मिल गया, वो मिल गया ई बाई आर इंटू वन माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, तो हमें यहां से ये एक्सप्रेशन मिल गया है करंट का। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें यहां से मिल गया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग अब एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देन वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सप्रेशन एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस एक्सप्रेशन में क्या क्या दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जाननी है। ठीक है, सो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो तो लेट अस कंटिन्यू। तो हमें यहां से क्या एक्सप्रेशन मिला, हम लोगों को एक्सप्रेशन मिल गया है करंट का, करंट इज इक्वल टू ई बाई आर और ब्रैकेट के अंदर है वन माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना देखेंगे कि ये जो करंट, ये जो ई बाई आर है, ये क्या है। तो देखिए, जो सर्किट था अपने पास वो क्या था, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और ये बैटरी है। ठीक है, ओके, तो स्विच हमने ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर जो है, इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इंडक्टर जो है ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, डायग्राम ऐसा हो जाएगा, सिर्फ रेजिस्टर, बैटरी और इंडक्टर बेसिकली क्या हो गया, एक कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें ये जो करंट आ जाएगा, करंट, वो करंट कितना आएगा, तो करंट आ जाएगा E बाई आर। ठीक है, करंट आ जाएगा अपने पास, जो करंट है, करंट आ जाएगा E बाई आर। तो ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट है, दिस इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, या दिस इज द स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट, सो दिस इज द स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझना है कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा करंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो यहाँ पे i है e बाई आर, इसको हम लोग i नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे, i नॉट। ऑलराइट, तो इसको हम लोग i नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से आपको i कितना मिल जाएगा, तो e बाई आर की जगह आप लिखोगे i नॉट, तो i नॉट वन माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये आर बाई एल क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दू आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई एल बाई आर, मतलब आर को नीचे ले जाओ, तो ये जो एल बाई आर आप देख रहे हो, एल बाई आर, तो अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, ठीक है, जो कि मैं आप पे छोड़ देता हूँ, तो ये टाइम का डायमेंशन निकल के आता है, किसका, टाइम का। तो ये जो L बाई आर है, इस L बाई आर को हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, यानी टाउ कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्किट है उसमें R का एक वैल्यू दिया होगा, L का एक वैल्यू दिया होगा, तो L बाई आर जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज वन टाइम कांस्टेंट, तो वी विल डिस्कस दैट। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम लोग जो एल बाई आर है उसको हम लोग रिप्लेस करके टाउ डाल देंगे, विल रिप्लेस इट बाय टाउ। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। तो चलिए, तो हम लोगों को मिल गया अभी आई का एक्सप्रेशन, आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट और ये हो जाएगा वन माइनस ई रेज टू
माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो अब आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन वी वर लुकिंग फॉर, वी वर लुकिंग टू फाइंड आउट। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ से मिल गया, ठीक है, ओके। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रखिए, ओके। सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ करंट, दिस इज द इक्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वन टाइम कांस्टेंट, ओके। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दैट व्हाट इज अ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो टाउ, तो अगर हम लोग यहाँ पे ले ले, तो टाउ का वैल्यू तो क्या है, टाउ का वैल्यू एल बाई आर है, ठीक है, उसमें तो आपको कोई डाउट है नहीं, तो वो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि व्हेन इफ टी इज इक्वल टू वन टाउ, तो यहाँ पे टाइम तो वेरी कर रहा है, ठीक है, राइट। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग बनाते हैं पहले, लेट अस मेक दिस ग्राफ फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस कि वन टाइम कांस्टेंट पे क्या होगा। तो पहले हम ये ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ये ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ बेसिकली कैसा बनने वाला है, ये ग्राफ बनने वाला है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ऑलराइट। तो अगर ये एक्सिस पे हमने करंट लिया है और इस एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसा बनेगा तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए तो t इक्वल टू जीरो आप जब डालोगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो आप देख सकते हो करंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा, राइट। कैसे, e रेज टू जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, करंट जीरो आ जाएगा। और जब आप डालोगे इसमें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आप देखोगे करंट का वैल्यू आ जाएगा आई नॉट। कैसे, तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये i नॉट इंटू वन आई नॉट हो जाएगा। यानी ये ग्राफ कैसा बनने वाला है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे i नॉट, ऑलमोस्ट i नॉट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट i नॉट। तो यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन बना दी है, ठीक है, क्योंकि वो i नॉट तक पहुंचेगा। और यहाँ पे है t इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से एकदम परफेक्ट बनाइए, ओके। तो जो ग्राफ है वो बनेगा इस तरह से, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ओके। तो ये अभी परफेक्ट बन गया, ऑलराइट। तो इस तरह से जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसमें अगर आपने यहाँ पे टाइम को ले लिया वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है, वन टाइम कांस्टेंट लिया, तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा आई नॉट ब्रैकेट के अंदर वन माइनस ई रेज टू माइनस टाउ बाई टाउ, ठीक है, टी की जगह आप डाल दोगे टाउ, तो टाउ बाई टाउ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस वन, यानी वन माइनस ई रेज टू माइनस वन, ठीक है, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 2.73, ठीक है, ई का वैल्यू 2.73 होगा। और जब आप ई रेज टू माइनस वन का वैल्यू देखोगे तो वो 0.37 आएगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस 0.37 यानी 0.63, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.63 आई नॉट। मतलब एक टाइम कांस्टेंट में जो करंट है वो 63% तक पहुंच जाता है, अपने मैक्सिमम वैल्यू के 63% तक वो पहुंच जाता है। तो दिस इज 0.63 आई नॉट,
जस्ट इन वन टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में ये चार्जिंग, सॉरी ये जो ग्रोथ ऑफ करंट है, ये बहुत ही कम समय में अचीव हो जाता है। सो दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस। तो विद इन 3 to 4 टाइम कॉन्स्टेंट द करेंट विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत ही कम समय, इट्स यू नो ऑलमोस्ट माइक्रो सेकेंड्स में वो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हो कि एक टाइम कॉन्स्टेंट में करंट जो है वो 63% तक पहुंच गया अपने मैक्सिमम वैल्यू के, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस तरह से जो है ये करंट का जो वैल्यू है, राइट, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। वन टाइम कॉन्स्टेंट में जो करंट है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू के 63% पे पहुंच जाता है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट ग्रोथ ऑफ करंट, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डीके ऑफ करंट। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट डीके ऑफ करंट। ओके, चलिए नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डीके ऑफ करंट। सो दिस वॉज अबाउट ग्रोथ ऑफ करंट। आपने देखा कैसे एक टाइम कॉन्स्टेंट में 63% तक का जो ग्रोथ है करंट का हो जाता है। सो लेट अस यू नो नाउ टॉक अबाउट डीके ऑफ करंट। सो डीके ऑफ करंट होने के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है यू नो इस इंडक्टर और रेजिस्टर को हम लोगों ने पहले एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। सो ऑलरेडी वी हैड कनेक्टेड इट, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो दिस इज यू नो द इंडक्टर, दिस इज द रेजिस्टर। तो ये इंडक्टर, ये रेजिस्टर, राइट, ये दोनों जो है हम लोगों ने ऑलरेडी एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ। तो ये डबल स्विच हम बना रहे हैं और इस तरह से। तो अगर इसको स्मॉल ए कह दो, इसको स्मॉल बी कह दो, इसको स्मॉल सी कह दो, तो पहले ए और बी कनेक्टेड था, ठीक है। ओके, तो अगर ए और बी कनेक्टेड था बहुत समय के लिए, तो इस सर्किट में ऑलरेडी एक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, वो करंट है ई बाई आर, स्टेडी करंट, बिकॉज इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। तो सर्किट में बचेगा क्या, सर्किट में सिर्फ ई और आर बचेगा, तो करंट हो जाएगा ई बाई आर। तो अब यहाँ पे जो है टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये एट टी इक्वल टू जीरो ए बी इज डिसकनेक्टेड एंड बी सी इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ए बी जो है, ए बी को हम डिसकनेक्ट कर देंगे, तो ए बी इज डिसकनेक्टेड, राइट, एंड वॉट, एंड बी सी इज कनेक्टेड। बी सी को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो बी सी इज कनेक्टेड। तो क्या होगा, तो सर्किट में ऑलरेडी एक करेंट है ई बाई आर, ठीक है। तो अब सिचुएशन जो होगा वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब इस तरह से हो जाएगा कि ये इंडक्टर है, जैसे इंडक्टर इज देयर एंड द रजिस्टर इज देयर, सो दिस इज द इंडक्टर, द रजिस्टर, और यहाँ पे जो बैटरी है वो आपने हटा दिया, ठीक है, ये डिसकनेक्ट हो गया, बैटरी जो है वो डिसकनेक्ट हो गया। तो इस तरह से बस कनेक्ट हो गया, मतलब अब इसमें बैटरी है ही नहीं, ठीक है, बैटरी नहीं है, लेकिन जो करंट है वो करंट इसमें अभी जो है वो इंडक्टर उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। कैसे, तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, जिसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है, और वो मैग्नेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो इस करंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, करने की कोशिश करेगा। लेकिन करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो खत्म हो जाएगी, दैट विल बी फिनिश्ड। इसलिए यहाँ पे जो है, राइट, जो करंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो जो करंट है वो जीरो नहीं है, टी इक्वल टू जीरो करंट मैक्सिमम है, और वो है ई बाई आर, ठीक है। तो ये सिचुएशन है एट टी इक्वल टू जीरो। और एट टी इक्वल टू टी क्या होगा, एट टी इक्वल टू सम टाइम टी करंट डिक्रीज होते होते आई हो जाएगा, और एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी बहुत समय के बाद
मैग्नेटिक एनर्जी जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एनर्जी पूरा लॉस हो जाएगा, इसकी वजह से जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको समझनी है सबसे पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो करंट है, राइट, करंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये जो इंडक्टर है ये उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, तो इंडक्टर का जो ईएमएफ है वो इस तरह से हो जाएगा, वो उसको इस तरह सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, माइनस प्लस। ठीक है, इट विल ट्राई टू सपोर्ट दिस करंट। तो अब जब आप इसमें लूप लॉ लिखोगे, राइट, तो आप कैसे लिखोगे, तो इंडक्टर का जो ईएमएफ है, राइट, वो आप लिखोगे यहां से माइनस से प्लस आप जा रहे हो, यानी राइज लिख रहे, यानी आपने लिख दिया ईएल EMF of the inductor, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, EL, और आपने करंट I जो है यहाँ पे एट एनी टाइम t, करंट कितना है I, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एट एनी टाइम t, यानी एट t इज इक्वल टू t के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो जो EL है और ये हो जाएगा माइनस IR, तो EL माइनस IR, तो ये चीज यहाँ से आप क्या करोगे, इक्वल टू जीरो कर दोगे। ठीक है, अब EL क्या होगा, तो आपको तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड डालना है, तो मैग्नीट्यूड डालना है तो हो जाएगा L, और di/dt की जगह आप लिखोगे माइनस di/dt, क्योंकि di/dt नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको उसको पॉजिटिव करना होगा, तो एक माइनस साइन लगाना होगा, और फिर ये आएगा माइनस IR इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब बस हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से आपको मिल गया माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये आई आर उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आई आर। ठीक है, ओके, तो यहां से आप वेरिएबल सेपरेट कर लो, डी आई बाई आई एक साइड आ जाएगा, तो डी आई बाई आई एक साइड आ गया, और माइनस आर इंटू डी टी बाई एल ये अपोजिट साइड आ गया। ठीक है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो चलो लेट अस पुट द लिमिट्स। तो अभी करंट कैसे, तो करंट का तो इनिशियल वैल्यू जीरो नहीं है, वो आई नॉट है, तो हम उसको आई नॉट लिख देते हैं। ठीक है, करंट आई नॉट से, और किसी भी टाइम टी पे करंट का वैल्यू आई होगा, तो हम आई लिख देते हैं। ठीक है, और टाइम जीरो से लेकर टी तक। ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो डी आई बाई आई क्या हो जाएगा, डी आई बाई आई हो जाएगा एल एन आई, तो इस साइड आपको मिल गया एल एन आई, और उसके लिमिट्स क्या हैं, उसके लिमिट्स हैं आई नॉट से लेकर आई। ठीक है, और इस साइड आपको मिल जाएगा माइनस आर टी बाई एल, तो यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये होगा एल एन आई बाई आई नॉट। ठीक है, तो वो मैं स्टेप लिख देता हूँ, एल एन आई बाई आई नॉट आ जाएगा, क्योंकि एल एन ए माइनस एल एन बी एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप यहाँ से जो है एक्सपोनेंशियल उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, ये आपको मिल गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, तो यहाँ से आपको आई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आपको आई का एक्सप्रेशन बताता हूँ यहाँ से। तो आपको यहां से आई का जो एक्सप्रेशन है वो कितना मिल जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा आई का एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट इनटू ई रेज टू माइनस आर टी बाय एल। अब ये जो चीज है इसको आप लिख दोगे माइनस टी डिवाइड बाय आर बाय एल, तो आर बाय एल इज टाइम कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, तो हम लोगों को ये यहाँ से मिल चुका है, दिस इज द एक्सप्रेशन वी वर लुकिंग फॉर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डीके ऑफ करंट। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डीके ऑफ करंट, ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डीके ऑफ करंट, राइट, और डीके ऑफ करंट, ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
So we'll make this graph. Okay, so this is, you know, the y-axis, this from current lenge, and this is the x-axis, this from time lenge. Okay, so let us start. तो ये ग्राफ कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, राइट? दिस ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस एक्सिस पे हमें करंट ले रहे हैं और इस एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिमिट देख लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे करंट का वैल्यू कितना है. तो टी इक्वल टू जीरो पे आप देखोगे यहाँ पे ये ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू आ रहा है आई नॉट. और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट का वैल्यू कितना आ रहा है? करंट का वैल्यू आएगा जीरो. तो बस यहाँ से हमें ग्राफ बनाना है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, राइट? तो करंट का वैल्यू जो है वो आई नॉट से डिक्रीज होकर जीरो तक आएगा, ठीक है? और टाइम आपका जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे ये बन गया ग्राफ. ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग वन टाइम कॉन्स्टेंट में क्या होगा. तो लेट्स डिस्कस दैट. तो बात कर रहे हैं हम लोग इन वन टाइम कांस्टेंट. सो इन वन टाइम कांस्टेंट आप देखोगे, राइट, यानी टी इज इक्वल टू टाउ पे करंट का वैल्यू अगर आप देखोगे तो करंट का वैल्यू निकल कर आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, यानी माइनस टाउ बाई टाउ, यानी माइनस वन. तो ये हो जाएगा आई नॉट इन टू, लेकिन e raise to minus 1 का वैल्यू कितना होता है? e raise to minus 1 का वैल्यू होता है 0.37. तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको? यहाँ से आपको ये समझ में आया कि करंट जो है वो रिड्यूस हो गया, सिर्फ 37% बचेगा. तो कितना रिड्यूस हो गया? यानी 63% रिड्यूस हो गया करंट, राइट? द करंट इज रिड्यूस बाय 63%. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करंट बढ़ता भी है 63% और घटता भी है 63%, ठीक है? तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि इन वन टाइम कांस्टेंट द करंट विल रिड्यूस टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, या हम लोग बोल सकते हैं और इन वन टाइम कांस्टेंट द करंट विल रिड्यूस, द करंट विल रिड्यूस बाय 63% ऑफ इट्स. सो रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो बाय 63% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीखी. यू हैव लर्न्ड दिस. तो एक तो रिड्यूस टू बोल सकते हो 37%, या आप बोल सकते हो रिड्यूस बाय 63%, ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो करंट है उसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 0.37 आई नॉट, ठीक है? 0.37 आई नॉट हो जाएगा. कब? वन टाइम कॉन्स्टेंट में. तो करंट कितना रिड्यूस हुआ है? यहाँ से आप देख सकते हो कि करंट जो है वो रिड्यूस हो गया. कितना रिड्यूस हो गया? तो 63% रिडक्शन हो गया एक टाइम कांस्टेंट में. तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% से बढ़ता भी है और एक टाइम कांस्टेंट 63% से घटता भी है, ठीक है? ऑलराइट, ओके. तो दिस इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द growth and decay of current. In the next lecture, we will take examples based on this. Okay? Okay, till then, bye, enjoy, and keep the good work, keep working hard. Right? Alright. So, we have discussed what? Growth of current in RL circuits and decay of current in RL circuits. Alright?